हाय फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं आर्या करियर एकेडमी में। आज हम लोग CHSL का 10th मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और आर्या करियर एकेडमी में हम लोग SSC के द्वारा जितना भी पेपर किया गया हुआ है सारा का डिस्कशन होगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं 10th मार्च का शिफ्ट वन का पेपर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था FUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, फुल फॉर्म हर एक, आप देखोगे कि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा, FUI का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेरेंस। और देखिए, आप लूसेंट या फिर मनोहर पांडे में बैक साइड में जाइए, वहाँ पर लगभग 50 या 100 दिए हुए हैं फुल फॉर्म, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि संपत्ति योजना व्हाट के स्टैंड फॉर PMKSY। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, लिख देते हैं प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ये योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर के जो है वो कृषि के लिए स्टैंड करता है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ नेपाल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेपाल का एरिया होगा 14718 किलोमीटर। और देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि लेंथ भी पूछते। तो लेंथ है नेपाल का 2024 1, ठीक है, 2241, ठीक है। और इसका ब्रेथ है 885 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, इक्वेटर पासेस थ्रू विच कंट्री। तो ये इक्वेटर, ये टोटल 13 कंट्री के थ्रू पास होता है। तो इसमें कुछ कंट्री का नाम हम लिख देते हैं। इसमें हो जाएगा आपको ब्राज़ील, जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, ब्राज़ील, सौ टोम, ठीक है, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इटीसी, ठीक है। इसमें और भी नाम बता देते हैं हम, इक्वेडर है, ठीक है, कोलंबिया है, प्रिंसिपल है, गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उगेंडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है और क्रिबती है, ठीक है। तो ये 13 नाम आप टोटल याद कर लेना। देखिए, एक और फुल फॉर्म पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में FIU का, तो इसका हो जाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो देखिए 52 अमेंडमेंट है और ये 1985 में लाया गया था और 10th शेड्यूल में लाया गया था। ये होता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ में होता था कि इसके पहले 1985 के पहले कोई भी किसी पार्टी को अपने जीतने के बाद अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाकर चला जाता, जिसके चलते मनी लॉन्ड्री का, मनी जो होता था ट्रांसफ़र का, बहुत ज़्यादा जैसे दल बदल होता था, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग चले जाते थे पैसा के लिए या फिर पावर के लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए अमेंडमेंट किया गया 52 अमेंडमेंट 1985। और उसके बाद किसी भी पार्टी का 1/3 मेंबर जब तक दूसरे पार्टी में मर्ज नहीं होता है तब तक, अगर कोई सिंगल आदमी चाहता है कि हम दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश नॉट शेयर बाउंड्री विथ, देखिए ये ऑप्शन के अनुसार होगा, मगर ये बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आसाम और नागालैंड के साथ, ठीक है, ये साउथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और इसका इंटरनेशनल बाउंड्री किस कौन कौन सा कंट्री का है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है भूटान, ये है वेस्ट में, ठीक है। दूसरा है
म्यांमार ईस्ट में, और तीसरा है चाइना जो कि नॉर्थ में है, और ये एक लाइन सेपरेट करता है चाइना और इंडिया को, उसका नाम है मैक मोहन लाइन, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। कैग, कैग अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। ये सीजीएल में पोस्ट भी है कैग का बहुत सारा, जैसे ऑडिटर हो गया। बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो देखिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला है, किसको मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है, ठीक है। बेंगलोर का राजधानी कहाँ है, बेंगलोर खुद एक राजधानी है कर्नाटका का, ठीक है, बेंगलोर का राजधानी। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखिए अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूरी तरह से पता नहीं है किस किस चीज़ का पूछा गया, इस तरह प्रॉपर्टी जब पूछेगा तो वो चार ऑप्शन देगा, उसमें से आपको निकालना होगा, ठीक है। सेकेंड सोलर रोड, तो ये किस कंट्री द्वारा किया गया, तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। देखिए अब एवाइल आर फाउंड इन विच बॉडी ऑर्गन, तो ये देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये सांस सांस लेने में जो हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको पाया गया, ठीक है। कहाँ पाया गया है, रेस्पिरेटरी सेक्शन में पाया गया है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हाउ मच परसेंट ऑफ मनी इज बैक टू आरबीआई। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार टोटल 98.96% जो मनी है वो दोबारा वापस आ चुका है, ठीक है। अब देखिए फ्यूगिटिव बिल क्या होता है, फ्यूगिटिव बिल इसका पूरा नाम देख लीजिए, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, ये कब पास किया गया है, तो 1 मार्च 2017 में, यही क्वेश्चन आया था फ्यूगिटिव बिल कब पास किया गया, और ये अरुण जेटली द्वारा किया गया है, ठीक है, अरुण जेटली द्वारा लाया गया था, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये होगा अफ्रीका, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, और आप लोग अपना क्वेश्चन जो है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।